फिर से बोलो, आएगा नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा। मास सुहान सावन आयल पिया के बिना मोरा मन, पिया के बिना मोरा मन अकुलायल, मन अकुलायल मन अकुलायल। फिर दो बार के बाद मास सुहावन, ठीक है आओ। आवल क्या होता है? आवल आवल होता है। हाँ। अकुलायल है ना, आगे मिश्रा नहीं बैठेगा ना बेटा। अच्छा आयल आयल बोलो। अकुलायल आराम से छोड़ो, इसको फिलर आएगा। नहीं वो जरूरी नहीं है, फर्स्ट सेकंड किसी में भी डाल सकते हो, फील चाहिए। कुछ करेगी लड़की? अभी तो दूर हाँ, ठीक है। इनका बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन इन एक पहला अंतरा है, पूछा भरी भरी। कोई नहीं, एक अंतरा और डाल दो ना। नहीं तो एक ही लास्ट में दो अंतरा तो हो गया ना। हाँ। एक और है, इसमें इन्होंने लिखा रची रची माधव गीत। हाँ, नाम वाला गा दो, मेरा भी नाम है। ठीक, बहुत बढ़िया, आओ। म्यूजिक डायरेक्टर भोगेल बंदर, यार मेरा भी तो नाम आना चाहिए, खाली वो रच रच के लिखते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते हैं। इसमें सब क्या डाले? डाले दो लाइन चाहिए यहाँ पे। सुंदर गीत अति सुंदर, इसमें गौरी जी का भी दे सकते हैं, लेकिन राजा ठाकुर जी का। गौरी सुनावथी सुनथी सुनथी शंकर, शंकर और गौरी सुनावथी। बोलो डबल वाला, अब गाते हो।
सुर थोड़ा गया और गौरी सुनावती सुन कृष्ण हाँ होता है बंद करो सर। ये मेरा फोन है। आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, मुझे पता है। अभी आप लाइव रिकॉर्डिंग सुन रहे थे पिंकी जी का। दोस्तों मेकिंग जब भी बनता है जनरली लोग ये करते हैं कि पहले गा लेते हैं, उसके बाद फिर उसको प्ले कर देते हैं और उसके बाद उसको प्ले करके लोगों को दिखा दिया जाता है कि हमने एक बार में गा लिया। कई सिंगर ये सोचते हैं कि सर मैंने तो एक बार में ही गा लिया था। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो सिंगर जितने बड़े हैं वो उतना ज़्यादा टाइम लेते हैं गाने में, क्योंकि एक एक मुर्की है, एक एक फील है, एक एक एक्सप्रेशंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान रखना होता है। सुर ताल कुछ भी नहीं है गाने के लिए, ये बहुत ही पहली बेसिक चीज़ है कि आपको सुर ताल मालूम होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो ज़रूरी हैं, और वो बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि सुर ताल तो एक बेसिक है। जब आप कुछ पढ़ना सीखना स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आप सीखते हैं वो ABCD होता है या क ख ग घ होता है, तो वो तो एक स्टार्टिंग है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बिना सुर ताल के अगर आप चाहोगे सिंगर बन सकते हैं तो वो फिर मशीन से ही हो सकता है, हो सकता है और लेकिन मशीन से ही हो सकता है, आप स्टेज परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सुर ताल तो है लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे पहलू हैं। शब्दों की समझ सबसे पहले सिंगर को होनी चाहिए। बहुत सारे सिंगर होते हैं जो राइटर से बार बार पूछते हैं कि आपने जो ये लिखा तो क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है और इसको मैं कैसे करके गाऊँ। तो जो सिंगर गाने की समझ रखते हैं वो सिंगर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप सबों को, वो बहुत आगे तक जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप गा रहे हो वो चीज़ क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मर्म क्या है, उसका भाव क्या है और उसके हिसाब से आपको एक्सप्रेशंस फिर अपने आप आएंगे। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं या आपको ये पता नहीं कि गाना सही है गलत है। आजकल लोग तुकबंदी करने लगे हैं, पहली लाइन कहीं जा रही है, दूसरी लाइन कहीं जा रही है, दैट्स नॉट सॉन्ग। गीत का मतलब है पूरे एक कहानी, शुरुआत कहाँ से हुई और उसका निचोड़ उपसंहार कहाँ पे जाके पहुँचा। तो इसीलिए इतने बड़े म्यूज़िक वर्ल्ड में, म्यूज़िक आज इंडिया का अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा उसका वो है। अपने दिल्ली में ही आप देखो 300-400 स्टूडियोज़ होंगे मेरे ख्याल से, और हर जगह पे रोज़ गाने बन रहे हैं, रोज़ गाने आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन हज़ारों गाने में से कोई एक गाना आप क्लिक करते हो, आप उसको सुनते हो, ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर खास बात है, या तो उसका सिंगर बहुत अच्छा है, या उसका राइटर जो है उसने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, या फिर उसका जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उसने उस शब्द के हिसाब से काम किया और उसको बहुत अच्छे तरह से बनाया। ये बहुत मायने रखने वाली बात है। तो इसलिए अभी मैं ये बातें इसलिए कर रहा था कि बनावटीपन बहुत आ गया दुनिया में। मैं पिंकी को धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने लाइव गाने का हिम्मत किया है, नहीं तो आमतौर पे यही होता है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि बहुत सारे सिंगर हैं जो पहले गा लेते हैं, बाद में उनका जो है लिपसिंग लोग शूट कर, उससे नए लोगों को कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता। तो आइए पिंकी से और अनिल जी आज हमारे साथ हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब अपने यहाँ से बच्चे आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, कुछ बड़ा काम बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, एक पहचान बनती है उनकी, तो बहुत ही खुशी होती है। और जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुश होते हैं उसी तरह से एक म्यूज़िक डायरेक्टर जो होता है वो एक सिंगर का माँ बाप होता है।
और उसे बहुत ज़्यादा, अगर ये कलाकारी में कोई भी सिंगर आगे बढ़ता है तो मेरे ख्याल से उसके माता पिता से ज़्यादा खुशी उस संगीतकार को मिलती है, उस राइटर को मिलती है जो उसके पीछे खड़ा है। तो आइए थोड़ी सी बात करें अनिल और पिंकी जी से। अनिल जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? पिंकी कैसे हो? बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आना मतलब एक परिवार की तरह है, जैसे मन करे गाओ और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अभी लाइव रिकॉर्डिंग किया तो एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ कि लाइव रिकॉर्ड करने में कैसा लगता है, कुछ नया सीखा। जैसे आपने देखा होगा कि मुड़की लेना और ये सब, हालांकि मुझे उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी कि एक सामने है ऐसे पर्सन जो बताते हैं। अदर जगह या कहेंगे यूँ कि आज के समय में कोई किसी को बताता नहीं। पहली बात तो अगर आपको कुछ आता है तो सामने वाला ये सोचता है कि अरे ये हमें बता दे, पर कोई बताता नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके करना, और अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप लोग लाइव किसी चीज़ को सुने और अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि इससे बहुत कुछ हमें मिलता है सीखने को। बस और अच्छा पिंकी, इधर आपने मतलब जो भी चीज़ें गाई है या जो एक्सपीरियंस हासिल किया मार्केट से, मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसलिए कि अभी मार्केट में एक दौर चल रहा है, बड़ा संक्रमण का दौर चल रहा है जी। तो संगीत पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो संगीत को दूसरे अर्थों में भी ले रहे हैं और म्यूज़िक का थोड़ा सा गलत उपयोग भी कर रहे हैं। तो आप जब जाते हो गाने के लिए तो आपको भी स्टेज पर इस तरह के गानों की डिमांड होती होगी? तो ये कौन डिमांड करता है, पब्लिक करता है या ऑर्गेनाइज़र या कौन करते हैं? पब्लिक ही करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग करते हैं कि जिनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि ऐसे लोगों का क्रेज़ जो है इन गानों के प्रति, इन म्यूज़िक के प्रति बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही मुझे कभी कभी अफसोस होता है मेरे समाज को लेके कि आज तक मैंने किसी नौजवान को कभी भी गलत गाने की फरमाइश करते हुए नहीं सुनी। मेरा एक्सपीरियंस जो अच्छा, जो पापा के उम्र के होते हैं, जो चाचा के उम्र के होते हैं, वो लोग जब ऐसे गाने की फरमाइश करते हैं तो थोड़ा सा दुख लगता है, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को हमेशा भरत जी के गाने देखिए। ये दोस्तों एक नई चीज़ सुनने को आज मिली है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो। खैर, तो पिंकी आप क्या कह के जवाब देते हो लोगों को, आप किस तरह से उन चीज़ों से बचते हो? मैं उनसे कह देती हूँ कि चाचा जी लोकगीत अगर सुनना है तो मैं सुना सकती हूँ और मुझे ऐसे गाने नहीं आते। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए आपकी पहचान जो है एक अलग सिंगर के रूप में बन रही है मार्केट में धीरे धीरे। और मेरे ख्याल से कितने दिनों से आप प्रोफेशनली, वैसे तो आप गाते रहे हो बचपन से गाते रहे हो, प्रोफेशनली मुझे तीन साल हो गए। अच्छा, चार साल, ये चौथा साल लग गया मुझे। तीन साल हुए। और रिकॉर्डिंग्स में गाते हुए कितने रिकॉर्डिंग्स में गाते हुए मुझे एक साल हो गया। इसी सावन में सर से मिलने आई थी, आपसे ही मिलने आई थी मैं, और इसी सावन में मेरा पहला गाना यहीं से रिलीज हुआ था, मतलब बना था और रिलीज गंगा से हुआ था। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक साल हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है अब तो। तो एक साल हुआ आपका यहाँ से जुड़े हुए या रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में आप आए एक साल से? तो पहले भी आप गाते थे, स्टेज पे भी गाते थे, आपको अब में और उस समय उस जमाने में क्या फर्क होगा? रिकॉर्डिंग में आने से आपको क्या फ़ायदा होगा? रिकॉर्डिंग में आने से ये फ़ायदा होगा कि मुझे पता चल गया कि कैसे गाना है। गाना तो हर कोई गाता है, गाना तो जो सीखा है वो भी, जो नहीं सीखा है वो भी, सब गाते हैं गाना। लेकिन एक एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगा, इसको हम ऐसे करेंगे तो और बेहतर हो सकता है। ये रिकॉर्डिंग में आने से मुझे फ़ायदा हुआ। अच्छा दोस्तों।